नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शाप्ती पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हरियाणा के पंचकुला में सोमवार को गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। गौ सेवा सम्मेलन में स्वयं के अलावा पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा, ज्ञानानंद जी महाराज और गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग उपस्थित रहे। स्वयं नायब सिंह सैनी ने संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर शहर में गोवंश की संख्या तस्दीक के लिए पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव, नगर निकाय और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की समिति बनेगी। तो सीएम ने मौके पर कई घोषणाएं भी की। पंचकुला में गौसेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए थे। सीएम नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सम्मेलन में शामिल होते हुए कई घोषणाएं की। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद थे। सीएम सैनी ने संबोधित कर कई सारे घोषणाएं की है, जो किसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होगा। गौशालाओं के प्रतिनिधियों की एक समिति भी बनाई जाएगी। इस बात की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि एक समिति बनाई जाएगी। प्रदेश के 645 गौशाला सोलर प्लांट का उद्घाटन किया जाएगा। गौशाला का प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की भी घोषणा की है। ये बड़ी घोषणा की है, जहां गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन हुआ है, सीएम नायब सैनी और बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। गौ सेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल गुर्जर इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे और सीएम ने कई घोषणाएं भी की। सीएम सैनी ने संबोधित कर कई घोषणाएं की। आज आप लोगों के बीच में ये बात रखते हुए कि आज वो पवित्र, आज ये ऐतिहासिक दिन, आज हम सब पूरे हरियाणा प्रदेश के गौ भगत यहाँ एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है कि ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन की सरकार, चाहे गंगा के स्वच्छता की बात हो, चाहे गौ माता के संरक्षण की बात हो, और चाहे गीता को पूरे विश्व में प्रचारित करने की बात हो, ये सरकार मजबूती से अपने इन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और उसी कड़ी में आज हम सब गो भक्त यहाँ एकत्र आए हैं। आप सब बड़ी मुस्तैदी से, आप सब बड़े एक्टिव तरीके से समाज के महानुभावों को साथ लेकर के गौ माता के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं पुनः आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं, दिल से धन्यवाद भी करता हूं। आज मुझे खुशी है कि नई गौशालाओं को, जो गौ सेवा सम्मेलन आज हम एकत्र आए हैं, जो श्रवण गर्ग जी ने एक मांग पत्र मुझे दिया था, उस मांग पत्र को मैं आज आप लोगों के बीच में, जो भी हमने कार्य आगे निर्णय लिए हैं, उसके निमित्त हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है, जो ग्राम श्यामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 2023 बनाए हैं, अब उस नियम के तहत सरकार की स्वीकृति उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक 2 गौशालाओं को पंचायती भूमि देने का काम किया है, जो कि जिला नू का ग्राम पंचायत हसनपुर तथा ग्राम पंचायत रांगला द्वारा पट्टे पर दी गई है। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति अब मंत्रिपरिषद की बैठक में, पहले ये दी जाती थी, मैं आज से यह घोषणा करता हूं कि आगे से यह स्वीकृति
मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, वो कैबिनेट की बैठक के अंदर नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त गौशालाओं को जो दान में जमीन मिलती थी या उसके द्वारा खरीदी गई जमीन की रजिस्ट्री होती थी तो पहले उस पर 1% स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि अब प्रदेश में नई गौशालाओं के लिए जमीन खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी 0 हो जाएगी, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। अब नई गौशालाओं बनाने के लिए न तो CLU लेने की आवश्यकता होगी और न ही किसी कोई EDC या अन्य किसी प्रकार की फीस देने की गौशाला को आवश्यकता होगी। पहले गौशालाओं में गोवंश के पेयजल अन्य कार्यों के लिए ट्यूबवेल लगाने हेतु सिंचाई व बिजली विभाग इत्यादि से अनुमति लेनी पड़ती थी। मैं घोषणा करता हूं कि अब गौशाला में 1 ट्यूबवेल लगाने के लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं आज आप सभी जानते हैं कि शहरों, कस्बों व गांव में आमतौर पर बेसहारा गोवंश घूमता रहता है, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि इन बेसहारा गाय, बछड़ा, बछड़ी को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने वाली गौशालाओं को प्रति गाय 600 रुपये और प्रति नंदी 800 रुपये और प्रति बछड़ा बछड़ी 300 रुपये की दर से नगद भुगतान देने की आज मैं घोषणा करता हूं। ऐसे पकड़े हुए गोवंश के लिए गौशाला को प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपया, प्रति गाय 30 रुपये और प्रति नंदी 40 रुपये प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान के रूप में मैं देने की भी आज ये घोषणा करता हूं। ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बात रखते हुए।